आज हम यहाँ पर आए हैं संडे कार बाजार में। आज हम आपको मार्केट के ताजा रेट बताएंगे कि आज की मार्केट क्या चल रही है। सुमेर भाई इसका जरा इंजन खोलिएगा। सुमेर भाई ये ओरिजिनल कलर में अंदर मौजूद है। जी 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 जी। अच्छा हबीब भाई ये 2020 का मॉडल क्या डिमांड करें इसकी आप? टचअप तो नहीं है कहीं से? ठीक है आप अंदर से दिखा सकते हैं गाड़ी बिल्कुल। देखा आप इंजन रूम भी देख सकते हैं। ये 2004 का मॉडल है। हबीब भाई इसके कितने मांग लिया? ये देखें बोनेट इसका शावर है। आप ये देखें गाड़ी की कंडीशन। हबीब भाई के पास एक और हमारे पास गाड़ी मौजूद है। इसका भी इंजन रूम बिल्कुल साफ सुथरा रखा हुआ है। ये डैटसन है 79 का मॉडल है। डैटसन का ये गाड़ी ऐसी चाहती थी कि लोग इसको देखते थे यार ये गाड़ी है। ये जो बंदा शौकीन शौक रखता है पुरानी गाड़ियों का और साफ सुथरी गाड़ियों का 45 साल पुरानी ये गाड़ी है। तो गाइस ये हमारे पास 94 का मॉडल है। अंदर से आप गाड़ी भी देख सकते हैं। मार्केट के अंदर मौजूद है प्रियस। या आप आ जाएंगे गाड़ी के अंदर से आप इंटीरियर दिखा दें गाड़ी का। हमने आपको हैचबैक कार दिखा दी, सेडान कार दिखा दी, एक्सेस भी दिखा दी। अब आपको दिखा रहे हैं एसयूवी कैटेगरी की स्पोर्टेज। क्या स्पोर्टेज गाड़ी? वैसे तो गाड़ियां यहां पर बहुत हैं, हम दिखाने जाएं तो वीडियो 1 से 2, 3, 4 घंटे की बन सकती है। आज हम यहाँ पर आए हैं संडे कार बाजार में। यहाँ पर आपको सस्ते से सस्ती गाड़ी और महंगे से महंगी गाड़ी मिल जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे देख सकते हैं आप हर किस्म की गाड़ियाँ मौजूद है। छोटी गाड़ी भी, हैचबैक गाड़ी मौजूद है, सेडान गाड़ी मौजूद है, एसयूवी भी गाड़ी मौजूद है। हर किस्म की यहाँ पे गाड़ी मौजूद होती है। ठीक है समरिया। आज तारीख है 29 सितंबर 2024। आज हम आपको मार्केट के ताज़ा रेट बताएंगे कि आज की मार्केट क्या चल रही है, आज मेहरान की क्या वैल्यू चल रही है, आज करोला सिविक इसकी क्या वैल्यू चली आज हम आपको बताएंगे। चलो भाई। सर ये 2011 मॉडल है, इसके डिमांड कर रहे हैं 8,75,000 क्योंकि ये पूरी ओरिजिनल है और 41,000 चली हुई है। सुमेर भाई इसका जरा इंजन खोलिएगा। अच्छा सुमेर भाई ये ओरिजिनल कलर में अंदर मौजूद है। जी 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 जी। अच्छा ये देखें इंजन बिल्कुल अंदर से साफ सुथरा। सुमेर भाई ने बहुत साफ इंजन है, भी सील्ड इंजन, सील्ड इंजन है, मतलब ओपन इंजन भी नहीं है, ये सील्ड इंजन है और ओरिजिनल कलर पे ये गाड़ी मौजूद है। आप देख सकते हैं गाड़ी में अलॉय रिम भी लगी है और ये ब्रांड न्यू टायर है। ये VX है या VXR है? VX कंपनी से आई थी। कंपनी से आई थी, फिर आपने एसी वैसी लगवाया? नहीं नहीं नहीं, थ्रू आउट पेट्रोल जैसे आई थी वैसी रही। गाड़ी के अंदर से आप रूम देखें, गाड़ी बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी सुमेर भाई ने रखी हुई है। कहते हैं अगर गाड़ी को अगर आपको चेक करना हो ना डिग्गी से चेक की जाती है। आपको हम आते हैं डिग्गी, ये देखें डिग्गी को, ये देखें डिग्गी सुमेर भाई ने देखे गाड़ी। कहते हैं कि गाड़ी का अगर चेक करनी हो तो आप इसके डिग्गी से चेक करें, डिग्गी से पता चल जाता है कि गाड़ी की कंडीशन क्या है। ये देखें बैकग्राउंड बिल्कुल उन्होंने गाड़ी बेहतरीन रखी हुई है। करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में लेकर जाएंगे ना ये तंग नहीं करेगी और रीजनेबल प्राइस है। 2011 का है, मतलब इन पैसों में आप न्यू अगर कंसिडर करें कि इन पैसों में अगर आपको नई जैसी गाड़ी लेनी है तो वो ले सकते हैं। आजकल आपको अंडर 1 मिलियन कोई गाड़ी नहीं है। हमें एक्चुअल में 775-785 की ऑफर है एक साहब ने, तो ये भी कहा था कि यार पूरे में कर लो, हमने नहीं दी। अब फाइनल हमारा जो माइंड है वो 8,40,000 में दे देंगे। अच्छा हबीब भाई ये 2020 का मॉडल क्या डिमांड करें इसकी आप? सर इसकी डिमांड है 22.5 लाख रूपए। 22.5 लाख रूपए। अच्छा गाड़ी ओरिजिनल कंडीशन, ओरिजिनल जेन पेंट है, जेन्युइन गाड़ी है। अच्छा टचअप तो नहीं है कहीं से? नहीं कोई पीस टचअप नहीं है। VXR है? जी VXR है। अच्छा VXR के अंदर गाइस इसके अंदर एसी वगैरह भी आता है। ये देख लें गाड़ी को बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन के मौजूद है। गाड़ी का आप अंदर से दिखा सकते हैं, गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी है। इसकी छत दिखा दें, अंदर से इंटीरियर दिखा दें। कितना माइलेज कितना है फैसल भाई इसका? माइलेज 87 किलोमीटर चली हुई है। ये आल्टो 660 cc जो हमारे पास भी लेटेस्ट जनरेशन इसकी चल रही है वो आपको 22 लाख रुपए की मौजूद है यहाँ पर। क्या इसका क्या लगाएंगे आपके, कितने तक के तो आपका इरादा है कि बंदा अगर कोई आता है और आपसे कोई डील करता है तो आप कितने तक? मेरा यही माइंड है कि मैं 22 लाख तक की दे दूंगा। 22 लाख तक की दे देंगे। अच्छा ये आप डिग्गी देखें, डिग्गी देखें, इसकी डिग्गी भी बिल्कुल साफ है। ये गाड़ी की आप कंडीशन देख सकते हैं, गाड़ी बिल्कुल साफ कंडीशन में खड़ी हुई है। टायर भी इसके बिल्कुल साफ है, टायर की भी कंडीशन बहुत अच्छी लग रही है मुझे और गाड़ी बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। 80,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी, ये माइलेज भी अच्छी है। एवरेज क्या आ रही है आपको मालूम है? एवरेज ये मुझे दे देती है शहर में तकरीबन आराम से 25-26 करती है। 2020 का मॉडल है और ये 25 किलोमीटर भी दे रही है तो बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी एवरेज है। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने गाड़ी को बहुत संभाल के भी चलाया हुआ है। इंजन रूम भी साफ है, ये देखा आप इंजन रूम भी देख सकते हैं, इंजन रूम दिखाएं माशाल्लाह उन्होंने बेहतरीन इंजन रूम रखा है, सही केयर की हुई है इंजन की। गाड़ी देखें बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में, ऐसा लग रहा है कि 0 मीटर गाड़ी खड़ी हुई है गाड़ी। अच्छा हबीब भाई के पास एक और भी आल्टो मौजूद है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कराची की सबसे पुरानी और मशहूर आल्टो। ये 2004 का मॉडल है। हबीब भाई इसके कितने मांग रहे हैं आप? इसके मैं मांग रहा हूँ 7,40,000 रुपए। एसी ऑन है इसका बिल्कुल चिल्ड और पेट्रोल पर है, सीएनजी नहीं है इसके अंदर और ये भी तकरीबन पूरी जेन्युइन है। ये भी सिर्फ इसका बोनट शावर है बस। ये देखें बोनट इसका शावर है, आप ये देखें गाड़ी की कंडीशन।
गाड़ी भी उसकी बिल्कुल साफ है, गाड़ी कंडीशन साफ, बिल्कुल उन्होंने साफ रखी है गाड़ी। ये वाली भी 2004 का मॉडल है, इसके कितने मांग रहे हैं? 7 लाख। इसके 7,40,000 रुपये। 7,40,000 रुपये। ये आप देख सकते हैं, ये आप इंटीरियर देख सकते हैं गाड़ी का। डिग्गी भी बिल्कुल साफ है, डिग्गी भी साफ है, उन्होंने गाड़ी का डिग्गी साफ रखी है। ये मैं खोलता हूँ, ये देखें गाड़ी की डिग्गी साफ है। ये मैं आपको फाइनल दे दूंगा 6,90,000 रुपए की। 6,70,000 रुपए की मेरी डिमांड है, मतलब मुझे ऑफर लग चुकी है 6,70,000 रुपए की। मगर ये है कि मुझे 7-10 से नीचे नहीं देनी थी, मगर आपकी वीडियो के रेफरेंस से जो भी आएगा मैं उसको 6,90,000 रुपए में दे दूंगा। हबीब भाई के पास एक और हमारे पास गाड़ी मौजूद है। हबीब भाई कह रहे हैं कि ये वेरियो है, 2007 का मॉडल है, ब्लैक कलर में, ब्लैक ब्यूटी, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी। ये भी बहुत आउट क्लास गाड़ी है, टोटल अपना इंजन है इसका और ये भी टोटल 81 चली हुई है, लाख भी नहीं चली हुई। अच्छा, 81,000 किलोमीटर चली हुई। इसकी एक पेंट पे है और जेनियन, ये तकरीबन जेनियन है, एक आध पीस वो भी फ्रेश लुक के लिए किया हुआ है, बाकी कोलगेट वगैरह पूरी गाड़ी में कहीं भी नहीं है, बिल्कुल जेनियन कंडीशन। बिल्कुल जेनियन कंडीशन है, ये आप देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल जेनियन कंडीशन। मैं बोनट खोलता हूँ, बोनट खोलते हैं प्लीज। इसका भी इंजन रूम बिल्कुल साफ सुथरा रखा हुआ है, देख सकते हैं आप इंजन रूम इनका, माशाल्लाह इन्होंने बहुत साफ सुथरा रखा हुआ है। तो हबीब भाई इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? सर इसकी डिमांड मैं कर रहा हूँ 17-25 और ये बिल्कुल फाइनल देनी है मैंने 17 लाख रुपए की। 17 लाख रुपए की है, ये हमारे 2007 का मॉडल है। हबीब भाई डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं बिल्कुल साथ में आएंगे, ये आप देख सकते हैं इंटीरियर, आ जाओ। ये 81 किलोमीटर चली हुई गाड़ी आप देख सकते हैं और ये मैनुअल है, ठीक है ना। मैं ये भी बता दूं ये गाड़ी मैनुअल है। डिगी खोलना, डिगी वहीं से खोलना। 17-25 डिगी इसकी, डिगी की जेनियन कंडीशन, डिगी भी साफ कंडीशन का, अपना इंजन है, टोटल 81 चली हुई है, देखिए आप सही है ना। हाँ जो है उसकी ओरिजिनल कंडीशन में गाड़ी मौजूद है जी। हबीब भाई इसके क्या डिमांड कर रहे हैं आप? ये दो इसकी डिमांड 8,85,000 रुपये में देनी है, 9,10,000 रुपये इसकी डिमांड है। 2009 का मॉडल है और 10 की रजिस्ट्रेशन, गाड़ी इन्होंने साफ रखी है गाड़ी। अच्छा इसका एसी वगैरह ऑन है? इसका एसी, सीएनजी और पेट्रोल तीनों चीज़ें, तीनों ऑन है, ज़बरदस्त। ये आप गाड़ी का आ जाए इंटीरियर दिखा दें फैसल भाई। पावर विंडो वगैरह भी लगा हुआ है इसके अंदर ना, ये पावर विंडो भी इसके अंदर मौजूद है। रिम टायर भी अभी नए ब्रांड न्यू डलवाए। अभी भाई इसका कितना माइलेज चला हुआ है? सर ये चली हुई है 2,28,000। 2,28,000 ये चली हुई है इनकी, 2009 का मॉडल है और 8,85,000 रुपये कह रहे हैं हम लोग। लास्ट में इसको छेड़ देंगे, कोई वीडियो से कॉन्टेक्ट करना चाहिए अभी भाई का नंबर हमने वीडियो के अंदर दे दिया है। आप आपको जिसको भी भाई को लेनी है वो आप ये वाली 10 लाख के अंदर की रेंज के अंदर यह गाड़ी आप लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभी भाई, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यासिन भाई ये डाटसन है 79 का मॉडल है, तो आसिफ भाई ने बड़ी यार मेंटेन रखी है, क्या ख्याल है आपकी? यार ये बिल्कुल जो बंदा शौकीन होता है एंटिक कार रखने का भी शौकीन होता है उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त अच्छी गाड़ी है। शौकीनों के लिए जो गाड़ी बिल्कुल मेंटेन, पुरानी गाड़ी भी चाहते हैं और मेंटेन गाड़ी भी चाहते हैं। अच्छा ये बाई डिमांड भी कर रहे हैं 5,30,000 की? हाँ आजकल मार्केटों के हिसाब से तो बिल्कुल मुनासिब डिमांड कर रहे हैं। उसके अंदर भी उन्होंने कुछ अपना रूम रखा होगा डाटसन का, ये अंदर से खोल के बताएं। साबिर भाई ये कितनी चली हुई है गाड़ी? ये 65,000 से 70,000 किलोमीटर तक चली हुई है। अच्छा ये 65,000 70,000 किलोमीटर चली हुई है जबकि 79 की गाड़ी है। 79 की गाड़ी, नसीब आपकी उम्र से भी बड़ी गाड़ी है और लेकिन इसकी माशाल्लाह इसको इतना इतना आराम दिया हुआ है, माशाल्लाह इस गाड़ी को इतना केयर किया हुआ है। ये 70,000 तक के करीब करीब चली हुई है, देख रहे हैं आप, ये आपकी बुजुर्ग गाड़ी है लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने वक्त की रोड की सबसे मशहूर गाड़ी होती थी। ये जब रोड पे जाती थी ना अपने वक्त के अंदर, ये गाड़ी ऐसी चलती थी कि लोग इसको देखते थे यार ये गाड़ी है। अभी भी इसको जो शौकीन है ये सिर्फ शौकीन लोगों के लिए, जो शौक रखते हैं जिसके अंदर जो कहते हैं यार मैं जब रोड पे जाऊं लोग मुझे देखें, एंटिक कार के अंदर या विंटेज कार के अंदर आप जो देखना कैटेगरी देखना चाहते हैं उसके अंदर ये मौजूद है। ये देखें आप खूबसूरत इसके अंदर लोगो है, ये आप ये देखें इन्होंने एयर फिल्टर वाले को कितना खूबसूरत से कलर किया हुआ है। ये शौकीन लोगों के लिए था, ये जो बंदा शौकीन शौक रखता है पुरानी गाड़ियों का और साफ़ सुथरी गाड़ियों का, ठीक है हमारे पास पुरानी गाड़ी भी हो और साफ सुथरी भी हो, ये आज के दौर में मिलना नाम तकरीबन नामुमकिन है क्योंकि ये जितनी पुरानी गाड़ी है ये तकरीबन आपको 79 से कितनी हो जाती है? 45 साल पुरानी ये गाड़ी है और आप देख सकते हैं 45 साल गाड़ी के पुराने होने के बावजूद भी इसकी कंडीशन देखेंगे गाड़ी किसी साफ कंडीशन में रखी है इन्होंने, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन है, जेन्युइन इन्होंने रखी हुई है, देखिए बिल्कुल रिपेयर्ड है, रिपेयर्ड बिल्कुल
बिल्कुल कंडीशन जेन्युइन है, आप देख सकते हैं। ये देखें जबरदस्त, ये डिग्गी इन्होंने रखी, बड़ी डिग्गी है यार, आप देख सकते हैं विंटेज कार होती है ये, आप कह सकते हैं पुरानी जितनी गाड़ियां हैं। ये देखें कितनी इन्होंने देखे बैकलाइट जबरदस्त किस्म, ये देखें बैकलाइट इन्होंने बिल्कुल रीस्टोर की है गाड़ी। अच्छा यासीन भाई एक बात है, ये आजकल जो नई गाड़ियां हैं उनकी डिग्गी छोटी होती है, इसकी डिग्गी तो आप देखें कितनी बड़ी है यार। ये इन्होंने बहुत पुरानी गाड़ियां और ये मजबूत है, ये इतनी गाड़ियां मजबूत होती है कि देखें माशाल्लाह 45 साल है हमारी उम्र का, माशाल्लाह इतनी बढ़ती हो रही है, हकीकत हम नहीं चल पाते, लेकिन इन्होंने माशाल्लाह गाड़ी बहुत बेहतरीन रखी। ये विंटेज कार होती है। आसिफ भाई क्या डिमांड है इसकी, क्या मांग रहे हैं? ये डिमांड क्या है समझ लें, ये तो एक किस्म का गिफ्ट है, 530 की हम डिमांड रखी है माशाल्लाह बेहतरीन, और इसका कलर फेड हो गया था तो हमने इसको भट्टी पेंट करवाया है ना, बेहतरीन। और बाकी इसकी एक एक चीज जो इसकी जेन्युइन है वो है, इसमें कोई अल्टरेशन नहीं है, कि जो इसकी चीज कम हुई वो हमने पूरी की है ना। जबरदस्त, आप शौकीन है गाड़ी रखने के, गाड़ी के शौकीन है और इसको आप सेल करना चाहते हैं तो जो शौकीन है वही लेके जाएगा। बिल्कुल वही मैंने कहा था, ये गाड़ी जो है वो शौकीनों के लिए, क्योंकि इस कंडीशन में आप गाड़ी है आपको साफ तो नजर नहीं आती 45 साल पुरानी गाड़ी में। मैंने तो ये भी देखा था कि 2010 की जो गाड़ियाँ 12 की गाड़ियाँ होती वो इतनी बेकार कंडीशन हो जाती है। ये मैं जो आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ चीज इसकी, आप ये देखें इसका इंटीरियर, सबसे पहले इस गाड़ी का इंटीरियर देखा जाता है, आप डैशबोर्ड की कंडीशन देखें, एक एक चीज़ को आप देखें, इसका हर जो इसकी अपनी ओरिजिनल जापान से चीज़ रख के आई है वो उसमें मौजूद है। स्पेशल ऑटोमेटिक ट्रिपल हॉर्स पावर नाइट्रो जेट इंजन कॉन्सेप्ट कार, ट्रेनिंग मतलब अगर 5 आप पीस डिमांड करें इसमें आप क्या गुंजाइश छोड़ेंगे, कितने आपके व्लॉग से और आपके तवज्जो से कोई आएगा और आपका नाम लेता है जी जी वो इसमें ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश होगी इंशाल्लाह हो। तो गाइस ये हमारे पास 94 का मॉडल है और 2006 की रजिस्ट्रेशन गाड़ी मौजूद है, आप देख सकते हैं ये टोयोटा सर्फ, जो गाड़ी जो बंदा चाहता है मैं गाड़ी रखूं 4x4 बड़े रोड के लिए पहाड़ों के लिए, ये सबसे बेहतरीन गाड़ी है। 30 लाख डिमांड कर रहे हैं जी, आप देख सकते हैं ये गाड़ी 7 सीटर है या 4 सीटर 5 सीटर है, पीछे सीट है या डिग्गी है? पीछे डिग्गी है, पीछे डिग्गी है, अंदर बैठ सकते हैं। अच्छा है, सामान वामान लगे। 3000 सीसी की गाड़ी में और डीजल इंजन है, आप यहाँ देख सकते हैं गाड़ी, अंदर से आप गाड़ी भी देख सकते हैं। इसके अंदर आप मजीद 2 सीटर भी, 2 और मजीद सीट भी ऐड कर सकते हैं, लोग फैमिली अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप इसमें ऐड करवा सकते हैं, बड़ी फैमिली के लिए बेहतरीन गाड़ी। और सबसे बड़ी अच्छी बात, ये बहुत जानदार गाड़ी होती है और ये पहाड़ों के लिए, अगर आप शौकीन है पहाड़ों के लिए या आप कहीं नॉर्दर्न एरिया आपका आना जाना या आपका कोयटा आना जाना या कहीं पे भी, तो ये आपको रोड पे, ये रोड की शान होती है, रोड पे जब जाती है तो आपको ये फील नहीं होता कि मैं कोई छोटी गाड़ी में मौजूद हूँ या छोटी गाड़ी चला रहा हूँ, बेहतरीन जानदार गाड़ी मौजूद है। जो बड़ी गाड़ी रखने के शौकीन नजरात है वो बिल्कुल मुनासिब रेट मांग रहे हैं, 30 लाख रुपये आज के दौर में 30 लाख रुपये की आल्टो आती है, मैं सच बता रहा हूँ। हमजा भाई हमारे साथ मौजूद है, हमजा भाई के पास मार्केट के अंदर मौजूद है प्रियस हाइब्रिड के अंदर बेहतरीन गाड़ी, विट्स हमारे पास मौजूद होती है हाइब्रिड के अंदर, जो लेटेस्ट हाइब्रिड और वो है एक्वा है और ये प्रियस है। प्रियस हमारे पास हैचबैक, ये हैच सेडान गाड़ी है, ये प्रियस सेडान होती है, इसकी अपनी डिग्गी होती है, एक्वा के अंदर डिग्री नहीं होती, वो हैचबैक कैटेगरी की गाड़ी होती है। ये हमारे पास गाड़ी मौजूद है सेडान गाड़ी, ठीक है, आप देख सकते हैं ये 2007 का मॉडल है और 2013 की रजिस्ट्रेशन है, इन्होंने 2013 में रजिस्टर करवाई हुई होगी गाड़ी, आप देखें गाड़ी की कंडीशन, ये देखें आपकी गाड़ी का इंजन। अच्छा ये गाड़ी का हल्का सा डेंट, ये एक्सीडेंटल नहीं है, हमजा भाई कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल नहीं है, ये यहाँ पे आके कुछ गाड़ी के पत्थर वत्थर लगा था तो इसके बारे में कोई परेशानी, ये सूखा डेंट निकला हुआ है गाड़ी का अंदर, गाड़ी का पेंट ओरिजिनल है। ये हाइब्रिड गाड़ी होती है, इसकी एवरेज क्या आती है हमजा भाई? एवरेज है मुझे अंदाज़ा नहीं है इसका वैसे, लेकिन बहुत प्यारा एवरेज है इसका। अच्छा और उसकी बैटरी बिल्कुल वर्किंग कंडीशन के अंदर मौजूद है, इन पे 65% है, 65% मौजूद है बैटरी, 65% भी इन मॉडल का गाड़ी एक अच्छी परसेंटेज कहलाती है। 2007 का मॉडल है और 2013 की रजिस्ट्रेशन है, गाड़ी देख सकते हैं, गाड़ी का इंजन भी साफ है बिल्कुल। ये आप आ जाएंगे गाड़ी के अंदर से आप इंटीरियर दिखा दें, गाड़ी का खूबसूरत सा इंटीरियर, प्रियस का बहुत खूबसूरत इंटीरियर होता है। ये सारी गाड़ी इंपोर्टेड होती है और ये हाइब्रिड होती हैं, जो हमारे पास पेट्रोल जितना महंगा है उस हिसाब से ये हाइब्रिड गाड़ियां बहुत कामयाब हैं। और हाइब्रिड के अंदर एक इशू ये होता है कि छोटे ज़मीन के नीचे होती है, लेकिन इसको आप हम आप स्पेशल लगा के इसको थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं। इंटीरियर ये बैक साइड, ये बैक साइड का इंटीरियर, छत भी दिखा देना इसकी, ये आप डिग्गी भी देख सकते हैं, ये इसकी डिग्गी होती है, स्पेशियस डिग्गी है, अच्छा खासा इसके अंदर स्पेस होता है, आपका लगेज अच्छा खासा आ जाता है। हमजा भाई इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसकी 23 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं इसकी जी।
अच्छा, इसकी 23 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से तो मुनासिब ही डिमांड है जी। बिल्कुल इसकी जो आजकल मार्केट चल रही है 30 लाख रुपए के हिसाब से तो अच्छी डिमांड कर रहे हैं। सेडान गाड़ी है, क्योंकि बड़ी गाड़ी है तो हिसाब से तो अच्छी डिमांड की। वैसे आप क्या छोड़ेंगे, कितने तक आपका देने का 23 लाख डिमांड? कुछ गुंजाइश हो जाएगी इसके अंदर, कुछ गुंजाइश हो जाएगी। हमने आपको हैचबैक कार दिखा दी, सेडान कार दिखा दी, यानी मेहरान भी दिखा दी आपको, आपको डैटसन भी दिखा दिया, आपको एक्वा भी दिखा दिया, आपको कोरे भी दिखा दिया, आपको क्रिस भी दिखा दिया। अब आपको दिखा रहे हैं एसयूवी कैटेगरी की स्पोर्टेज। क्या स्पोर्टेज हमारे पास 2020 का मॉडल मौजूद है। हमारे नेक्स्ट आप इसको ऑन करते हैं, ये गाड़ी सेल करने आए हैं मार्केट के अंदर। बताएं अपना नेक्स्ट आप, ये कितने किलोमीटर चली हुई गाड़ी है? ये 52,50 है। 52,000 किलोमीटर चली हुई। अच्छा, ये 52,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, आप देख सकते हैं। ये फोर व्हीलर 4x4 है, ठीक है, फोर व्हीलर ठीक है, फुल ऑप्शन है, फुल ऑप्शन है, संद्रूप वाली है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, डन डन। गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी, जेन्युइन कंडीशन के अंदर गाड़ी। और नेक भाई, इसके अंदर आपने कलर वलर गाड़ी को नहीं, कोई पेंट गाड़ी में मौजूद नहीं? बिल्कुल गारंटी पे, बिल्कुल गारंटी कह रहे हैं कि नॉन एक्सीडेंट कार, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन, जेन्युइन पेंट, कोई कहीं पे कोई टचअप या कोई कलर मौजूद नहीं है गाड़ी? कोई टचअप नहीं, बिल्कुल जेन्युइन है, इन्होंने खुद रखी है, सबसे अच्छी बात साल मेरा पास खुद है। सबसे अच्छी बात ये कि नेक साहब ने खुद अपने पास ये गाड़ी इस्तेमाल में हो। यहाँ पे ज़्यादातर लोग तो आप किसी की गाड़ी बेचने आते हैं, और यहाँ ज़्यादातर जो एजेंट होते हैं वो बेचने आते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी गाड़ी खुद रखी हुई है, खुद मेंटेन कर रही है गाड़ी को। नेक भाई, ये क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी आप? इसका मैं 67 करूँगा फाइनल, 66 पे देने। 66 लाख लोग कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं ये गाड़ी की। और ये आप देख सकते हैं इंटीरियर, मैं इसे कहूँगा चार तरफ से अंदर देखूँ। इंटीरियर आप देखें, बहुत नीट एंड क्लीन इन्होंने इंटीरियर रखा हुआ है। और ये आजकल गाड़ी जो है 70 से 80 लाख रुपए की भी गाड़ी है, नहीं अब मौजूद है, फुल ऑप्शन गाड़ी है, ठीक है, मैं आप फिर बता दूँगी, फुल ऑप्शन गाड़ी है, इसके अंदर तमाम फीचर्स मौजूद है। जब क्या नया नया मॉडल लॉन्च किया था, ये देखें फुल ऑप्शन गाड़ी है, इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी है, इसके अंदर आप स्टेरिंग के अंदर मल्टी मीडिया ऑप्शन भी है, फुल ऑप्शन कार मौजूद है आपके पास। और ये बहुत ही साफ सुथरी गाड़ी है, आप देख सकते हैं बहुत साफ सुथरी है। आप छत दिखा दें, पिलर दिखा दें, गाड़ी का स्टेयरिंग दिखा दें, इंटीरियर चला दें, और ये कम चली हुई, इतना भी नहीं चली हुई, इन्होंने बहुत कम चलाई हुई ये गाड़ी। खुले, अच्छा ये गाड़ी की डिग्गी है, ऑटोमेटिक है, ये देखें आपको गाड़ी की डिग्गी कंडीशन। कहते हैं कि गाड़ी को जब देखना चाहे तो गाड़ी की डिग्गी देखी जाती है, गाड़ी की डिग्गी देखें, इन्होंने साफ सुथरी, मुश्किल है जो आपने निकलवाया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नई गाड़ी है, बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी, बिल्कुल साफ कंडीशन में, ठीक है ना। मुराद भाई, क्या डिमांड कर रहे हैं आप इसकी? ये डिमांड है 16,80,000 रुपए। 16,80,000 की CNG है? पेट्रोल थ्रू पेट्रोल भरे। अच्छा, कितने किलोमीटर चली हुई है कुछ आइडिया? 30,000 किलोमीटर चली हुई। 30,000 किलोमीटर चली हुई है, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन है। जेन्युइन कंडीशन देख सकते हैं आप, कलर भी व्हाइट है, बेहतरीन कलर है, और अपने दौर की जो है बेहतरीन गाड़ी थी, और बदनामे जमाना गाड़ी भी थी, ऐसा ही है ना मुराद भाई? अच्छा, पाकिस्तान में मैं आपको बताता चलूं, बोलान की प्रोडक्शन बंद हो चुकी है, सुजुकी बोलान पाकिस्तान के अंदर। अब तो जिस तरह से मेहरान की प्रोडक्शन खत्म हो चुकी है, इसी तरह से सुजुकी बोलान की भी प्रोडक्शन उन्होंने खत्म कर दी है। अब ये जो भी मॉडल हैं अब ये आखिरी है, अब इसके अलावा नए मॉडल नहीं आ रहे। अब सुजुकी एवरी कह रहे हैं कि सुजुकी एवरी लॉन्च होगी। अब तो मुराद भाई, इसका क्या आपको क्या फाइनल कितना आप 16,80 डिमांड कर रहे हैं? 16,80 में समझो डिमांड है इसकी, बैठ के बात हो सकती है। अच्छा, इसमें इनके इन्होंने गुंजाइश भी मौजूद है जी, इन्होंने खूबसूरत सेफ गार्ड भी अंदर मौजूद है, इन्होंने एक्स्ट्रा खर्चा भी लगाया हुआ, ठीक है ना। अगर ये डिमांड करें तो आप, डिमांड की रीज़न ये होता है कि इन्होंने मजीद एक्स्ट्रा खर्चे भी लगाया होता है, जो बंदा गाड़ी लेता है वो सब खर्चे उनको करवाने पड़ते हैं। बाय डिफॉल्ट सुजुकी मैन्युफैक्चरर जैसे खर्चे, ये सेफ गार्ड वगैरह, ये साइड ये लगे हैं, आप देख सकते हैं, इस तरह के खर्चे नहीं होते। इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी अच्छे खर्चे कराए हैं, अंदर से भी देख सकते हैं आप, देखें सीटें साफ सुथरी सीटें देखें, वरना आप ओरिजिनल कंडीशन की आपको देखें, अगर जिसमें ओरिजिनल अंदर इंटीरियर होता है उसका आप देख सकते हैं, बिल्कुल सादा खुशबू होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे से बनाया, कंफर्टेबल कार बनाई हुई, लोग इजीली बैठ भी सकते हैं, कोई इशू इसमें अंदर मतलब थकावट वगैरह वो नहीं होता सिलसिला। अच्छा, ये देख सकते हैं कल्टस 2005 का मॉडल है, VXR ये गाड़ी है। जैसे भाई इंजन भी दिखाते हैं, इंजन की कंडीशन भी साफ है, और इन्होंने बैटरी भी नहीं लगाई है, बैटरी भी साफ नजर आ रही है। और ये देखें कुछ गाड़ी जेन्युइन कंडीशन के अंदर मौजूद है, गाड़ी के अंदर कोई डेंट पेंट या मुझे कलर वाला ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि उन्होंने कुछ कलर कराया। ये आप देख सकते हैं गाड़ी की इंटीरियर आप दिखा सकते हैं, गाड़ी
जैसे साथ एक अल्टस गाड़ी जो होती है वो अंदर से नॉर्मली अल्टो और कोरे से बड़ी गाड़ी होती है। मेहरान, अल्टो और कोरे अगर आप देखा जाए अल्टस, तो उन सब में से जो बड़ी गाड़ी जो होती है वो यही कोरे ही होती है। अंदर से बड़ी स्पेशीज होती है। फैमिली आपकी अगर बड़ी हो थोड़ी सी और आप इकोनॉमिकल गाड़ी देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास अल्टस लंबी गाड़ी है। अच्छा। आप देख सकते हैं इसकी लेंथ काफ़ी गाड़ी बड़ी है। इसमें थोड़ा सा डिग्गी का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है यार। ये वाला स्पेशियस ये जो आता है ये वाला स्पेस आपको लगेज वगैरह रखने के लिए या अपने सीएनजी की टंकी भी अच्छी फिट हो जाती है। नॉर्मली आपके पास दिखा होगा आपने ये वाला जो स्पेस होता है ना लगेज का अल्टो के अंदर या कोरे के अंदर वो छोटा होता है, लेकिन अल्टस की खास बात ये है कि ये हैचबैक के अंदर सबसे लंबी गाड़ी जिसका डिग्गी भी है और अंदर से भी स्पेशियस है। इसका जो अंदर का बैठने का सीटिंग एरिया है सही कोरे और अल्टस से ज़्यादा ही हो। स्पेस मतलब ज़्यादा है इसके अंदर। सर इसके क्या डिमांड करें आप, फाइनल क्या करेंगे? 8,85,000 डिमांड है। और फाइनल क्या करेंगे? फाइनल 8,45 से छोड़ दूंगा। 8,45 यानी 8.5 के करीब ये कर देंगे। जैसे कि आपने देखा कि हमारे यासीन भाई और नसीब भाई ने यहाँ पर गाड़ियाँ जितनी हो सकी उतनी इन्होंने दिखाई। तो क्या नाचो भाई? यहाँ पे हर रेंज की गाड़ियाँ थी नसीब भाई, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, हर कैटेगरी की गाड़ी। वैसे तो गाड़ियाँ यहाँ पर बहुत है, हम दिखाने जाएं तो वीडियो 1-2-3-4 घंटे की बन सकती है। अरे पिछवाड़े में तो दो लिकट जाएगा। सर भाई अगर हम इसको यहाँ कह दें कि ये जो है गाड़ियों का जंगल तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ संडे कार बाजार यूपी मोड़ के करीब में और सुजानी भी बिल्कुल करीब में। कुछ पूछा मैंने कुछ। और यहाँ पर हम वीडियो को अपनी एंड करते हैं। अरे तू जा रही। अगर इस वीडियो से हमें 500 लाइक्स आते हैं तो इंशाल्लाह हम इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाएंगे। कुछ तरीका है भीख मांगने का? हम कोशिश करेंगे इससे और सस्ती गाड़ियाँ और अच्छी गाड़ियाँ हम आपको दिखाएं। बिल्कुल, हमारे व्यूअर्स जिस तरह चाहेंगे हम उस तरह जो है उनके कैटेगरी गाड़ियाँ दिखाएंगे। कम से कम हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। भाग यहाँ से। अल्लाह हाफिज़।